मैंने तुम्हें जो कुछ बताया प्लीज वो अपने तक रखना। अगर अंकल को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। क्या मतलब? क्या बाबा भी ये सब जानते हैं? दरअसल अदालत में मैंने वो बयान आपके वकील और अंकल के कहने पे दिया, वरना सच तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूं। I can't believe this. तुमने कोर्ट में झूठी गवाही दी है खुर्रम, कितना बड़ा जुर्म है पता है ना तुम्हें? पता है ना? How could you do this? तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। थैंक यू मुझे ये सब कुछ सच सच बताने के लिए। एक्चुअली तुमने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन से निकाल दी है, लेकिन बाबा अपनी दुश्मनी निभा रहे थे। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था खुर्रम। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन तबरेज शामिर मेरा दोस्त था, उसके कातिल को सजा मिलनी चाहिए। बड़ा भाई था वो मेरा, और उसकी मौत का दुख मुझसे ज्यादा और किसे हो सकता है? लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि एक बेगुनाह आदमी फांसी चढ़ जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था, सिर्फ इसलिए। अब तुम क्या करोगे? Don't know. नहीं जानता मैं। एक तरफ मेरे अपने और एक तरफ एनीवे थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी एवरीथिंग। चलता हूं मैं। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया कि बाबा अपनी जिद और दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। शामिर की गलती सारी उम्र का खसारा बन गई है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह की बदुआ इस घर का बचा कुचा सुकून भी खत्म कर दे।